तो एक जगह ऐसी जहां पर आपको तिरंगा फहराने नहीं दिया जाता, और वो कोई और जगह नहीं, हिंदुस्तान में ही पड़ता है। और अगर बात करें हिंदुस्तान में ही क्यों बसते हैं दो हिंदुस्तान, चलिए पहले देखते हैं ये वीडियो। मैंने अंजुमन इस्लामिया को लेटर लिखा, मैंने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी इन्वाइट किया, मैंने इन्वाइट किया, मैं दिखाऊंगा। मेरा फोन दीजिए, मेरा फोन दीजिए, सब मैं बोल रही हूँ, किसी कम्युनिटी का नहीं। आज आप आए हैं सारे नौजवान भद्र के भद्र काशी के आए हैं, आपके घर से कौन कौन आए? देखा मैंने क्यों कहा हिंदुस्तान में बसते हैं दो हिंदुस्तान। यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वही झंडा फहराने पे मना कर रहा है, और आपने देखा धक्का मुक्की इस तरह से की जा रही, जिस तरह से पुलिस का रवैया, जो नशा तस्कर है उनकी तरफ ये रवैया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रवादी बच्चे हैं या जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र के हित में नारे लगा रहे हैं, राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं, उनको ये धक्का मुक्का किया जा रहा है। और ये कहीं और की जगह नहीं, एसएल डोडा की बात है, भद्रकाशी की बात है, भद्रवा की बात है। हाँ, हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सुनते हुए कि पुलिस प्रशासन जो अपना पॉइंट रख रही है, वो रख रही है कि आपने रूट कोई और डिसाइड किया था, हमने कोई और रूट आपको दिया था। ये अक्सर देखा गया है जब भी एक जगह को बोलते हैं जिसको परला बाजार बोलते हैं, वहाँ से कोई भी हिंदू रैली निकलती है या हिंदू कोई भी मान्यता की चीज़ निकलती है, उसके लिए पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर देता है। हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, जम्मू की बात करें, आपने अभी देखा शिया में सातवां दिन देखा आपने, जो कि जानीपुर से निकलता है, न्यू प्लॉट के बाद जम्बू लोचन के बाद आपका पक्का डंगा से चौक चबूतरा, और चौक चबूतरा के बाद कहीं पीर मिठा करबला की तरफ आता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे अमूमन जो 90% इलाका है वो हिंदू का है, जब वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन दे पा रही है, जम्मू की मैं बात करूंगा, कहीं पे किसी तरह का कोई हादसा देखने को नहीं मिल रहा, तो ऐसा क्यों है कि परले बाजार में पुलिस प्रोटेक्शन देने में असमर्थ है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं ना कहीं नाकामयाबी दिखाते हैं। हाँ, हमने बात की, मुझे इस बारे में इसलिए बात करनी पड़ रही है, जब मैंने वहाँ के लोगों को बोला वहाँ के मीडिया ने क्यों नहीं कवर किया, तो उन लोगों के इल्ज़ाम है कि 70% मीडिया जो है सुबह उठ के ही पुलिस थाने में बैठा होता है। ये बहुत बड़ी एक अचंभा कर देने वाली बात है, और लोगों की विडंबना है या लोगों का जो ये कहा सुनी है, ये कितना सच है कितना गलत है, ये तो तर्क वितर्क की बातें हैं। लेकिन जहाँ पे 70% मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे के साथ कंधा लाके सिर्फ गुड बुक्स में और प्राइजेस लेने के लिए बातचीत करता हो, वहां पे असल में खबर आप कैसे दिखा सकते हैं? हाँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से धक्का मुक्की की गई है, वो बार-बार मैं कहूंगा वो इस तरह से की हुई है जैसे तस्करों के साथ किया जाता है, या जो ड्रग्स बेचने वाले उनके साथ इस तरह का रवैया करें तो पुलिस का वो समझ आता है। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा, जो राष्ट्रवादी नारे लगाने वाले युवा है उनमें इनकी क्या छवि बन रही है? आपने देखा होगा डिफरेंट पेजेस पे, अगर डोडा की बात करें, एसएफआई डोडा की मैं पूरे की बात करूं, पेजेस पे पुलिस के लिए हाय हाय के नारे या पुलिस के ऊपर। हाँ, हालांकि पुलिस ने बार बार एक चीज कही कि आपने रूट जो है वो दूसरा चूज किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी एक नाकामयाबी देखने में बनती है कि वो दूसरा रूट क्यों नहीं मुहैया करा सकते, या जो परला बाजार का रूट है वहां से बाहर से क्यों नहीं। जबकि आप देख सकते हैं जो इसमें युवा लीड कर रहे थे मनोज पादा, उन्होंने बोला कि हमारे चार नारे रहेंगे, भारत माता की जय, और जो चारों नारे हैं वो कारगिल विजय दिवस से ही मिलते जुलते, वहां पर कोई भी धर्म का नारा नहीं लगाया गया। लेकिन फिर भी SHO साहब ने इनको यात्रा नहीं निकालने दी। और उस लड़के के शायद से संस्कार ही ऐसे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मनोज पादा के, हमने जब भी उसका इंटरेक्शन या जब भी इंटरव्यू किया, हम वो जो वेशभूषा है वो हमेशा सनातनी रही है। मैं अगर अब बात कर रहा हूँ जो मनोज पादा है, हमेशा हमने देखा उसकी वेशभूषा जो है वो सनातनी रही हुई है, तो उसके ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेट कंट्री, हर किसी को अपने तरीके का पहनावा
पहनने की आजादी है जब तक वो किसी तरह से आईन को या कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं उसको किसी तरह से हार्म नहीं पहुंचाता। तो मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, हालांकि मैंने फिर बोल दिया कि जो पुलिस ने जो धक्का दिया आपने इस वीडियो में देखा, ये रवैया कहीं ना कहीं तस्करों के साथ हाल ही में देखा गया। पुलिस भद्रवाह में भी ड्रग अब्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, उस मामले में तो लोगों का कहना इनसे पकड़े नहीं जाते, उस मामले में तो इनकी कार्रवाई बड़ी ढीली होती है। कोई एक्सीडेंट होता है, चार दिन पांच दिन तक ये बाइक नहीं ढूंढ पाते, वो भी यही समाजकर्ता यही लोकल ढूंढ कर देते हैं और उसके बाद इन खबरों को छुपाया जाता है, दबाया जाता है, ये वहां के लोगों का कहना है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कितना जो ये जो वाकया हुआ अर्सवेल डोडा के भद्रकाशी भद्रवाह में, आपको क्या लगता है कि कितना सही और कितना गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। आप देख रहे हैं पहली जनता न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।